बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। बीजेपी में जो कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं, कांग्रेस पार्टी में वही कद पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का है। सोनिया की तबीयत नासाज रहती है, इसलिए शायद ही आप उन्हें किसी तरह के पॉलिटिकल प्रचार में अभी देखते होंगे। पहले की तरह संबोधन भी उनका ना के बराबर हो गया है। ये जिम्मेदारी कांग्रेस नेता और उनके बेटे राहुल गांधी और एक तरह से उनकी बेटी प्रियंका गांधी के कंधे पर आ गई है। लेकिन पॉलिटिकली इनएक्टिव होने के कारण जो 2024 लोकसभा चुनाव है, उसमें ये सोनिया के गले की फांस बन सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट बनारस है और रायबरेली सीट सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 5 दफा यानी कि 2004 से लेकर अब तक सोनिया गांधी इस किले को फतह करती आई है। कहते हैं कि आप आंख मूंद कर ये बता सकते हैं कि रायबरेली कांग्रेस की ही सीट है, यहां से शायद ही कभी आपको बदलाव दिखने को मिलेगा। लेकिन यहां इस साल मामला फंस सकता है। 5 बार से सांसद सोनिया गांधी लंबे समय से रायबरेली नहीं आई है, कारण उनका स्वास्थ्य है, इसलिए उनके चुनाव लड़ने को भी लेकर एक संशय बना हुआ है। पार्टी पदाधिकारियों से लेकर शीर्ष नेतृत्व भी इस सीट के पत्ते नहीं खोल रहे, ना ही गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां आ रहा है, जबकि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक आए दिन रायबरेली में डेरा डाले रहते हैं। ऐसे में चुनावी समीकरण बदलते हैं तो यूपी में कांग्रेस की इकलौती सीट जो बची है वो भी हाथ से फिसलती है, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इस सीट को निकालने में कामयाब होता है और फिर रायबरेली की भविष्य कुछ और ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा लोकसभा चुनाव है और हवा भी मोदी की तरफ है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में ये साफ होता नजर भी आता है, और चुनावी महासागर में ऐसा ही माहौल रहा तो इकलौती सीट भी कांग्रेस के हाथ से फिसलने पर यूपी से पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। रायबरेली को लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस की उदासीनता अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हर किसी की नज़र इस लोकसभा सीट पर इसलिए भी है कि आखिरकार इस बार रायबरेली से कौन मैदान में उतरेगा। हालांकि पार्टी महासचिव और पूर्व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। रायबरेली और अमेठी ऐसी दो सीटें हैं जहां से गांधी परिवार के सदस्य ही कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। 2024 के महासागर में प्रदेश की इकलौती बची सीट को बचाए रखने के लिए कांग्रेस सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। पिछले चुनाव में अमेठी गंवाने के बाद पार्टी इस बार रायबरेली को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। लगातार 5 बार से चुनाव जीत रही सोनिया इस बार स्वास्थ्य कारणों से ज्यादा सक्रिय नहीं है। वहीं भाजपा अमेठी जीतने के बाद अब रायबरेली में भी कमल खिलाने की तैयारी में है। प्रियंका के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना के बारे में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ही रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका के चुनाव लड़ने को लेकर कई बार से चर्चाएं होती रहीं, मगर वो अभी तक प्रत्याशी के रूप में मैदान में नजर नहीं आई हैं। पार्टी ने संगठन में उनका महासचिव का पद बरकरार रखा है और उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रभारी के दायित्व से हालांकि मुक्त कर दिया है। इससे ये साफ होता है और ये संकेत मिलता है कि लोकसभा चुनाव में वो उम्मीदवार बन सकती है। रायबरेली से सोनिया गांधी के अलावा इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी भी चुनाव लड़कर लोकसभा गए थे। इस लिहाज से प्रियंका के लिए रायबरेली सबसे मुफीद सीट हो सकती है। 1999 लोकसभा चुनाव के बाद 2004, 2006 उपचुनाव, 2009, 2014 और 2019 में जीतने वाली सोनिया गांधी रायबरेली से अब तक अजय हैं। लेकिन क्या इस बार भी कांग्रेस का ये विजय रथ बरकरार रहेगा? क्योंकि बीजेपी तो पूरी कोशिश में है कि अमेठी के बाद वो रायबरेली पर भी अपना निशान चिपका दे और जीत कांग्रेस के हाथ से खींच ले। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।